हमारे प्रोग्राम नामुमकिन में स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं दावर साहब से। जी हाँ, हितेन दावर से। आप सबने दावर साहब की अद्भुत शक्तियों के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज से कुछ साल पहले जब राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इन्होंने वहाँ जाकर लोगों को बताया कि जमीन के नीचे पानी कहाँ कहाँ पर है। दावर साहब बिना किसी वैज्ञानिक सहायता के बता सकते हैं कि जमीन के नीचे पानी कहाँ है। दावर साहब, क्या आज आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये शक्ति है क्या? ये तो सिर्फ भगवान की एक देन है जो मुझे मिली है और किसी को नहीं। और मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे कि ये कंपस है। ये कंपस हमें बताता है कि उत्तर किस तरफ है और दक्षिण किस तरफ है। ठीक उसी तरह जमीन के नीचे दबी हुई हर शक्ति के स्रोत से निकलती हुई किरणों को मेरा शरीर महसूस कर लेता है। ये कैसे होता है मैं खुद नहीं जानता। दावर साहब की इतनी सफलता के बाद भी वैज्ञानिक इनकी शक्तियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसीलिए आज पहली बार सबके सामने टीवी पर दावर साहब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। क्यों दावर साहब? हाँ जरूर, आइए देखिए। यहाँ पर लगभग 30 बर्तन हैं। अब मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और किसी एक बर्तन में पानी भर दिया जाएगा, बाकी के सारे बर्तन खाली होंगे। मेरी आंखों पर पट्टी होने के बावजूद मैं ये बता दूंगा कि पानी किस बर्तन। लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? क्या आप किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, एक तार का। वो तार मुझे बताएगा कि पानी किस बर्तन। आई आई देखिए, यही है वो तार। लेकिन ये काम कैसे करता है? ठीक है, एंटेना की तरह। जिस तरह एक एंटेना टीवी और रेडियो को सिग्नल देता है, ठीक उसी तरह ये तार मुझे सिग्नल। जैसे जैसे मैं पानी के पास पहुंचूंगा, ये तार हिलना शुरू हो जाएगा, और जब मैं बिल्कुल पानी के ऊपर हूंगा, ये तार जोर जोर से हिलने लगेगा। अब आइए, मेरी आंखों पर पट्टी बांधिए, आइए। आज हम सबको पता चल जाएगा कि दावर साहब की शक्ति झूठ है या सच। मतलब मैं पानी के बहुत करीब, बहुत पास। ये है पानी, इस बर्तन में है पानी। खोल के देखो इस बर्तन को, यही पे है पानी। देखो, ये तो कमाल किया दावर साहब, इसमें तो पानी है। आपने सच कुछ कर दिखाया। Excuse me, मुझे दावर साहब से मिलना है। देखिए, दावर साहब से अगर मिलना है तो फोन करके आइए। जाइए यहाँ से। देखिए, मुझे उनकी मदद चाहिए, सिर्फ वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपको कि आप अभी दावर साहब से नहीं मिल सकती। क्या हुआ सूर्य? कौन है? क्या चाहिए इसे? दावर साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद चाहिए? क्या हुआ, कुछ पैसों की जरूरत है? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे कपड़ों से तो लगता नहीं, लेकिन मैं बहुत
बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे और जवारात है, लेकिन लेकिन मैं उन्हें हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैं उन्हें हाथ लगाऊंगी मैं मर जाऊंगी। जेवरात है लेकिन उन्हें हाथ लगाते ही मर जाओगी? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे चाचा जी इस शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, उनका नाम था रघुनाथ। उनके पास इतने पैसे थे कि उन्हें गिनते गिनते ही वो परेशान हो जाते थे। कॉलेज की फीस देनी है, सत्यन को किताबें और प्रकाश की दवाइयां। दवाइयां चाहिए, किताबें चाहिए, फीस देनी है। खैरात बढ़ रही है ना, किसी को कुछ नहीं दूंगा मैं। तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे पैसा मांगने आते हो। सब चोर हो तुम, सबके सब चोर हो। चाचा जी, हमने आपके पैसे कभी नहीं चुराए, ना ही कभी बर्बाद किए। अगर हम सब ये करते तो क्या आज हमारी हालत ऐसी होती? हाँ चाचा जी, हम आपके पास पैसे सिर्फ इसलिए मांगने आते हैं कि आपके सिवा हमारा है ही कौन, कोई है। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। तुम्हारी नजर हमेशा मेरे पैसों पर रही है, मेरा ही खाते हो और मेरा ही खून चूसते हो। अगर पैसा चाहिए तो जाओ, जाकर खुद कमाओ, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। मैं एक पैसा नहीं दूंगा। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। आपको बहुत भारी दिल का दौरा पड़ा है, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। जल्दी से जल्दी किसी अच्छे अस्पताल में चलिए। अस्पताल में नहीं जाऊंगा, बेकार में पैसा खर्च करके क्या फायदा? क्या बात कर रहे हैं रघुनाथ साहब, आप अपने रिश्तेदारों को पैसा दे ना दे लेकिन अपने पर तो पैसा खर्च करें। क्या कीजिएगा इन पैसों का? अब ऐसी हालत में अपने साथ को लेकर जा नहीं सकते। अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, मगर मगर मैं नहीं तो और कोई भी नहीं ले पाएगा। ये सारी दौलत मेरी है, सिर्फ मेरी, इसे कोई भी नहीं छू पाएगा। अब जाओ डॉक्टर, जाओ, नहीं तो खड़े खड़े फोकट में और भी पैसा मांगोगे। क्या मरते मरते सत्यन, प्रकाश और दिव्या बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं साहब, आपकी बहुत फिक्र है साहब। सब के सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरा पैसा हाथ आ सके।
मेरे मरने के बाद मेरा एक काम करना होगा। मुझे मुझे क्या करना होगा सर? सुन, जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा। अगर तूने नहीं किया तो मरने के बाद भी मैं तुझे चैन से छीने नहीं दूंगा। मरते हुए आदमी का शराब लगेगा। मुझे क्या करना होगा? खतरनाक आंखें और ये हाथ, ऐसा लगता है जैसे किसी को श्राप दे रहे हैं। श्राप? इन्हें जल्दी से जला देते हैं। मुझे तो इनकी लाश देख के भी डर लग रहा है। अवश्य जल्दी से उधर से जाकर इनके सिर के नीचे अग्नि प्रज्वलित कर दो। जाओ। पागल बुद्धे, तुम तो खुश है ना? तेरा काम कर दिया मैंने। दुष्कर्म में तेरे से दुश्मनी लेके क्या फायदा? तब तक जिंदा था, जीना मुश्किल कर दिया था तूने मेरा। अब मरने के बाद तंग मत करना। मेहनत करने के बाद थोड़ी सी पीकर अपनी थकान दूर कर ली। घर में कोई है भी नहीं। जब तक जिंदा था एक एक बूंद का हिसाब रखता था। अब देखता हूं कौन रोकता है मुझे। Oh!
पहले उस चाचा जी का शाप और अब अचानक ये मौत, लगता है और भी कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में डर रही हो, ये सब तुम्हारा वहम है। हाँ, हो सकता है ये मेरा वहम है, लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि चाचा जी की अस्थियां जिस कलश में थी वो कलश भी गायब है। का कलश गायब है? हाँ। कलश कहाँ गायब हो सकता है, किसी को क्या जरूरत हो सकती है उसकी? रघुनाथ इतना कंजूस था कि लगता है अपने साथ साथ अपनी अस्थियां भी ले गया होगा। कुछ भी हो, उसके मरने से मैं तो बहुत खुश हूँ। भिखारी बना दिया था उसने हमें, अब उसकी सारी दौलत हम आपस में बांट सकते हैं। हंसते हंसते मरा था ना वो, अब नर्क में बैठा रो रहा होगा। चलो उसकी तिजोरी खोलते हैं। आओ। नहीं, नहीं सत्यन, सत्यन रुक जाओ। प्रकाश मत, प्रकाश रुक जाओ। सत्यन प्लीज ऐसा मत करो। सत्यन, सत्यन। कितना कुछ जमा कर रखा है कंजूस ने। नहीं सत्यन। इतना, इतना कि हम क्या, हमारे बच्चों को भी कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, जाओ जल्दी। अरे इतने पैसे, इतने पैसे। और उसके एक साल बाद मेरे भाई प्रकाश को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। वो चाचा जी के घर गया और उसने पैसे उठाए। वहां से वो निकल ही रहा था कि दरवाजे पर ही उसकी उसकी मौत हो गई। चाचा जी की दौलत की अकेली वारिस, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, उस दौलत को छू नहीं सकती। आपको कभी उस घर में कुछ नहीं हुआ? उस घर में सिर्फ उन्हीं लोगों का खून होता है जो वहां से कुछ ले जाने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसा ना करें तो उन्हें कुछ नहीं होता। एक बार दो चोरों ने वहां से चोरी करने की कोशिश की थी, वो भी मर गए। एक घर किसी का खून कैसे कर सकता है? और आप मेरे पास क्यों आई है? मैं कोई तांत्रिक बांत्रिक तो नहीं? मैंने आपको टीवी पर देखा था, आपने कहा था कि आपके पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो जमीन के अंदर छुपी हुई दबी हुई शक्तियों को ढूंढ सकती है। आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी शक्ति से मैं कुछ खास चीजें ही ढूंढ सकता हूँ, जैसे कि पानी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। उस घर में भी ऐसी कोई शक्ति है जो लोगों का खून करती है। आप प्लीज उस शक्ति को ढूंढने के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मुझे उस शक्ति से छुटकारा दिला दीजिए। देखिए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप एक बार चलकर उस घर को देख तो लीजिए। आप चाहे तो
मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार आपके घर पे चलने को तैयार हूं। को क्या हुआ सूर्य? लगता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया सर, साफ करना पड़ेगा। कितनी देर लगेगी? ये कोई आधा ही घंटा। वो घर कितनी दूर है? इसी सड़क पर थोड़ी ही दूर है, पैदल भी चले तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक, हम पैदल चलते हैं। सूर्य, गाड़ी जल्दी ठीक करके ले आना और मेरा सारा सामान गाड़ी में जरा ध्यान। जी सर, आइए। बाहर से तो घर बिल्कुल ठीक लग रहा है, अंदर जाने का दरवाजा कहाँ है? उधर। चाबी है तुम्हारे पास? कमरा कहाँ है जहाँ पैसे और जवाहरात रखे हुए? बंद हो जाती है। इस घर में जरूर कोई शक्ति है, वो शक्ति जो ये सब करा रही है। इस शक्ति को महसूस कर सकता हूं मैं, इस शक्ति को महसूस कर सकता हूं मैं। Thank you.
लेकिन मैं और भी एक चीज देखना चाहता हूँ। क्या? यही कि अगर मैंने कोई भी चीज इस घर से बाहर ले जाने की कोशिश की तो क्या होता है। ये आप क्या कर रहे हैं? इस लैंप को घर से बाहर ले जाकर देखना चाहता हूँ क्या होता है। नहीं नहीं दावर साहब, मैं इसे लेकर ही जाऊँ। नहीं नहीं रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। बाहर तो कटा हुआ है, मैं देख ही लेता हूँ। ये शक्ति इस घर में कहां से आ रही? वो जगह हमें ढूंढनी होगी। लगता है सूर्य आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। पता चल जाएगा इस घर में शक्ति कहां छुपी हुई। एक बात का ध्यान रखना, घर में किसी भी चीज को उठाना या छूना मत, समझे? जैसी चीजें ही ढूंढी और कुछ नहीं। अब हमें इस घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद उस शक्ति के बारे में कुछ पता चल जाए। क्या हुआ सूर्य? कुछ नहीं सर। सर मैं जा सकता हूं? हाँ तुम जाओ, मुझे इस घर की तलाश लेनी है। पांच सौ के दो बंडल है, कम से कम 1,00,000 रुपया होगा। किसी को पता नहीं चला। Hey!
पंखा मुझे मारने आ रहा था सर। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। मैंने कहा था ना अंदर किसी भी चीज को छूना मत। देख क्या किया तू? तूने पैसे चुराए? क्यों? मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। इतने पैसे देख के मैं खुद को रोक नहीं सका। इसके पहले कि और कोई मुसीबत आए, हमें जल्दी ही वो जगह ढूंढ लेनी चाहिए। बता रही थी कि मरने से पहले नौकर के हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके कपड़ों और हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। इसका मतलब तुम्हारे चाचा ने नौकर से कहा होगा कि इस कलश को घर में कहीं गाड़ दे, ताकि मरने के बाद भी यह घर उनके काबू में रहे और घर के बाहर उनकी कोई चीज जा न सके। अब हमें क्या करना होगा? इस कलश को पानी में बहाना होगा, तभी जाकर इस घर को उस शक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो फिर हमें इस कलश को उसी पवित्र तालाब में बाहर देना होगा जहाँ पर चाचा जी पूजा किया करते थे। वो उस तालाब को बहुत मानते थे। कहाँ है वो तालाब? जंगल के बीचों बीच। अभी निकलेंगे तो रात तक ही पहुँच जाएंगे। Thank you.
सारा जंगल हमारे पीछे पड़ गया है। सर, सर इस कलश में अचानक रोशनी कहां से आ गई सर? ये तालाब और कितनी दूर है? डालते ही सब कुछ ठीक हो गया है। लगता है तुम्हारे चाचा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सर, शायद शायद उस घर को भी इस शक्ति से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।